इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स बोल के दिया है। रोमन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स है ये। सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल अगर रहा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब इसका ऑर्डर देखो 2 × 2, इसका भी 2 × 2। स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है। यस, सॉल्व करेंगे कैसे करते? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a × a, a² फिर इसके बाद b × b, b² प्लस ले लेना, इधर प्लस लेना, ठीक है। रो ये रहती कॉलम में, एक स्टेप आगे बढ़ते प्लस × माइनस, माइनस a × b, a b प्लस b × a, b a, ठीक है, ba, ठीक है। अब इसके बाद ये रो लेना, कॉलम ये लेना, प्लस × माइनस, माइनस b × a, b a, ठीक है। a × b, a b, a b, ठीक है। माइनस × माइनस प्लस क्या हुआ? b² इसके बाद a × a, a² क्या हुआ? ये a² हुआ, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, फाइनल हमारा आंसर आ गया a² + b² एज इट इज, a² + b² -ab + ab, एक ही बात, जीरो हुआ है। -ba + ab, ये क्या हुआ? ये भी जीरो हुआ। b² a² इसको अरेंज करके लिख सकते मैं, a² + b² आंसर आ गया। आंसर आया मेरा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये अगर देखा मैं तो कॉलम मैट्रिक्स है, ये देखा तो रो मैट्रिक्स है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को, सिंपल क्वेश्चन है। इसका अगर ऑर्डर पूछा मैं तो ऑर्डर क्या है बोलो? 3 × 1, 3 रो है, 1, 2, 3, 3 रो है, एक कॉलम है। इसका बोलो 1 × 3 है, एक ही रो है, 3 कॉलम है, 1, 2, 3, ठीक। 1 × 2, 2, 1 × 3, 3, 1 × 4, 4, अरे ठीक है। 2 × 2, 4, 2 × 3, 6, 2 × 4, 8, 3 × 2, 6, 3 × 3, 9, 3 × 4, 12, आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, इसे नोट करो। तो करते हैं रोमन 3, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यस, इसका ऑर्डर बताओ ना, 2 × 2, इसका देखो 2 × 3, राइट ना, 2 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 × 1, 1, -2 × 2, -4, ठीक है, ठीक है। 1 × 2, 2, -2 × 3, -6, ठीक है। 1 × 3, 3, -2 × 1, -2, ठीक है, ठीक है। 2 × 1, 2, 3 × 2, 6, ठीक है। 2 × 2, 4, 3 × 3, अरे 9, ठीक है। 2 × 3, 6, 3 × 1, 3, ठीक है ना, ठीक है। मुझे मैट्रिक्स ऑप्टेंड होना 2 × 3 ऑर्डर का। देखो 2 रो है, 3 कॉलम है, ये कितना होता? -3 होता, ये -4 होता, ये 1 होता, ये कितना होता? 8, ये 13 होता, ये 9 होता, ठीक है ना। ये आंसर आ गया मेरा, सिंपल था, बहुत सिंपल था। सॉल्व करेंगे इसको हम, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बेकार है, कुछ नहीं है। 2 × 2, 2 × 1, 2, 3 × 0, 0, 4 × 3, 12, ठीक है। इसके बाद रो ये रहती कॉलम में, स्टेप आगे बढ़ते 2 × −3, −6, 3 × 2, 6, 4 × 0, 0, ठीक है। 2 × 5 कितना? 10 हुआ। 3 × 4 कितना हुआ? 12 हुआ। 4 × 5 कितना हुआ? 20 हुआ, ठीक है। अब देखो रो ये लेते, एक बार कॉलम ये, धन ये, फिर ये, ठीक है। 3 × 1, 3, 4 × 0, 0, 5 × 3 कितना? 15, ठीक है। 3 × −3, −9, 4 × 2, 8, 5 × 0, 0, 3 × 5, 15, 4 × 4, 16, 5 × 5, 25, ठीक है, ठीक है। 4 × 1, 4, 5 × 0, 0, 6 × 3, 18, कितना? 18, ठीक है। 4 × −3, 12, 5 × 2, 10, 6 × 0, 0, 4 × 5, 20, 5 × 4, 20, 6 × 5, 30, कितना? 30, राइट ना, ठीक है, ठीक है। इन सब को ऐड करने के बाद मुझे मिला ट्रिक्स, मिला रोमन 4 भी कंप्लीट करें हम। रोमन 5 करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, राइट, ठीक है। इसका ऑर्डर बोलो मेरे को, 3 × 2, कितने रो है? 1, 2, 3, कॉलम कितने हैं? 2। इसका ऑर्डर बोलो मेरे को, 2 × 3, राइट ना, 2 रो है, 3 कॉलम है।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, ये रो और ये कॉलम, ये कॉलम और ये रो इक्वल है, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है सर। रो में 2 into 1, 2 into 1, 2, 1 into -1, -1, ठीक है। रो ये रहती, कॉलम में स्टेप आगे बढ़ते, 2 into 0, 0, 1 into 2, 2, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ना रो में, कॉलम में 2 into 1, 2, 1 into 1, 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद रो ये लेते, कॉलम ये लेते, 3 into 1, 3, 3 into 1, 3, 2 into -1, -2, एक स्टेप कॉलम में आगे बढ़ो, 3 into 0, 0, 2 into 2, 4, ठीक है। 3 into ये, अब ये कॉलम लो, 3 into 1, 3, 2 into 1, 2, ठीक है ना, ठीक है। अब रो ये लेना, एक बार कॉलम ये, एक बार ये, फिर ये, -1 into 1, -1, 1 into -1, -1, ठीक है। -1 into 0, 0, 1 into 2, अरे 2, ठीक है। -1 into 1, -1, 1 into 1, ठीक है, अरे ठीक है ना। 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलना, 2 minus 1, 1, ये क्या हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये इतना हुआ 1 हुआ, ये इतना हुआ 4 हुआ, ये इतना 5, -2, 2, 0, राइट ना, 0, ये आंसर आ गया मेरा। लास्ट पार्ट करते हैं, देखो इसमें ऑर्डर बोलो इसका 2 into 3 है, इसका ऑर्डर बोलो 3 into 2 है, राइट ना। कितने रो है, 2, कॉलम कितने है, 3, कितने रो है, 3, कॉलम कितने है, 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलना, करेंगे हम सॉल्व इसको, 3 into 2, 6, -1 into 1, -1, 3 into 3, 9, ठीक है, ठीक है। अब रो ये रहती, कॉलम में स्टेप आगे बढ़ना, 3 into -3, -9, -1 into 0, 0, 0 + -2 क्या भी नहीं होता, 3 into 1, 3, ठीक है। अब फिर ये रो लेना, एक बार कॉलम ये, एक बार कॉलम ये, -1 into 2, -2, 0 into anything, 0, 2 into 3, 6, ठीक है। -1 into -3, +3, 0 into anything, 0, 2 into 1, 2, ठीक है, ठीक है। इसको ऐड करो, इसको कितना होता, 9 + 6, 15, 15 में गया 14 हुआ, ये 0 है देखो, ये 6 - 2 कितना हुआ, 4 हुआ, -9 में 3 गया 6 हुआ, 3 + 2 कितना हुआ, 5 हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करें हैं। यहाँ पे -6 आना, क्यों बोलो, -9 + 3, -6 होता, 3 + 2, 5 हुआ, ये 9, 15, 15 में गया 14, 6 में 2, 4, ये फाइनल आंसर है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना, मान के चलो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, फर्स्ट मैट्रिक्स ये है समझो और ये सेकंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ना कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर रहा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता। तो बहुत सिंपल, वैसे हम सारे जो है सारे पार्ट सॉल्व करें, इन्हें नोट करो आप।